प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बताइए दादा, आपकी क्या इच्छा है? चुनाव लड़े कहाँ से? यहाँ रायबरेली से। पहले प्रियंका और स्मृति का मुकाबला होगा इस क्षेत्र में? किसी से कोई मुकाबला पहले भी नहीं था, जब झूठ बिक रहा था, तो अब मुकाबला होने का कोई प्रश्न ही पैदा होता। एक तरफ से सिर्फ कांग्रेस की आंधी चलेगी, दूसरा है कि प्रियंका जी इस बार चुनाव लड़ेंगी रायबरेली अमेठी में से, उस पर क्या कहना है इस बार? नहीं नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं होना, क्योंकि ये परिवार का डिसीजन है। और अभी तक जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी तक तो मैडम ही लड़ रही है। प्रियंका जी के आने से युवाओं में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रियंका गांधी का इफेक्ट रायबरेली अमेठी, जहां उनकी स्वयं की कर्मभूमि कहते हैं, वहां इफेक्ट नहीं रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि उनका इफेक्ट कहीं और होगा? तो रायबरेली अमेठी से लड़ेंगी तो इनका यहां पर तो कोई ग्लैमर बचा नहीं है। और हम जानते हैं कि रायबरेली जैसे जनपद में आज भी 3,29,000 परिवार बीपीएल सूची में पंजीकृत हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनके नेतृत्व में जिस जनपद की आधी आबादी कटोरा लिए भीख मांग रही है रायबरेली जनपद की, वो क्या मुंह दिखाएंगे अगर प्रियंका गांधी राज्य के पूर्वी जिस जनपद में जाएंगी, उस जनपद में भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जाएगा, और अगर असत्य परोस कर आएंगी वहां पर, तो मैं सत्य परोसने जरूर जाऊंगा। लोगों में प्रियंका की जो छवि है उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का अक्ष लोग देखते हैं। विपक्षी इसको डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अंग भले मानते हो, पर कांग्रेस के लिए प्रियंका से बढ़कर कोई भी ट्रंप कार्ड साबित नहीं हो सकता था। रायबरेली के भूए मऊ गेस्ट हाउस से ईटीवी भारत के लिए प्रणव कुमार।